तो जश्न आजादी की ये सुबह है और फिजाओं में तिरंगे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, अजातिका हमारे साथ मौजूद हैं, वरुण जैन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं वरुण जैन के पास और जरा सुरक्षा के मद्देनजर किस तरीके के इंतजाम किए गए वरुण से जानते हैं जल्दी से। वरुण देखिए, बिल्कुल मैं आपको दिखा दूं, इस वक्त हम आईटीओ की रेड लाइट पर ही हैं क्योंकि यहाँ पर अलर्ट हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कभी भी यहाँ से गुजर सकता है, यही वजह है कि पुलिस कर्मियों ने हमें थोड़ा दूर कर दिया है। लेकिन आपको बता दूं, पूरे लाल किला और उसके आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर रखा है। इस वक्त दिल्ली पुलिस के करीब 40,000 जवान पूरी दिल्ली की सुरक्षा के लिए सड़कों पर हैं। अकेले लाल किले पर ही करीब 10,000 जवानों की तैनाती हुई है। आप देख सकते हैं मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर आसपास जितने भी फुट ओवर ब्रिज है वहाँ पर शार्प शूटर्स की तैनाती की गई है। किसी भी पल देखिए यहाँ पर अलर्ट आ चुका है, किसी भी पल प्रधानमंत्री का काफिला भी यहाँ से गुजर सकता है। यही वजह है पूरी तरीके से अब इस इलाके को खाली करा दिया गया है, हमको भी थोड़ा दूर रहने के लिए कहा गया है। तो जैसे ही तस्वीरें आएंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ आईटीओ से गुजरेगा, राजघाट जाने के लिए एक बार फिर से आपके पास पहुंच जाएंगे। वरुण हम जल्दी से लेकर चलते हैं दर्शकों को अजातिका के पास। अजातिका, फिजाओं में तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है, देश की आन बान शान पर मर मिटने के लिए देशवासियों में कैसा उत्साह आप देख रही हैं? जी बिल्कुल रोमाना, देखिए सबसे पहले एबीपी न्यूज के तमाम दर्शकों को आजादी के 77वें दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तस्वीरें अब हम सुरक्षा के मद्देनजर आपको दिखा देते हैं, ये आईटीओ के पास की तस्वीरें हैं। और हमें भी, जैसे कि वरुण जी बता रहे थे कि उन्हें भी पीछे कर दिया गया है क्योंकि अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से निकल सकता है। जाहिर तौर पर आप आसपास जो चौक है इसके चप्पे चप्पे पर देखेंगे आपको भारी सुरक्षा बल, पुलिस के अलग टुकड़ियां नजर आएंगी। हेलीकॉप्टर से भी हमने देखा था कि लगातार पैनी नजर बनाई गई है, ड्रोन की निगरानी लगातार रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की नजर से आप देखिए, हम आपको कैमरा पैन करके पूरे चौराहे की ये तस्वीर दिखा देते हैं। लगातार आपको पुलिस वाले नजर आएंगे जो कि अब मीडिया को भी पीछे जाने के लिए आदेश दे रहे हैं। हम लोग लगातार उनकी बात मानते हुए पीछे हो जाते हैं, लेकिन ऐसे में उत्साह लोगों में जाहिर तौर पर बहुत है। सबसे ज्यादा उत्साह यही है कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर अपने भाषण में आज क्या कुछ बोलने वाले हैं। ये तो बड़ी बात है, इसका तो पूरे देश को इंतजार है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बस चंद लम्हों का इंतजार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली तस्वीर आपके सामने होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।